बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अकनवाज कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बनाएंगे मूली वाले परौठे। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ली हैं मूलियाँ 1 किलो। मूली को हम अच्छी तरह छील लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मूली को छील लिया है अच्छी तरह। मूली को आप कद्दूकस कर लेंगे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मूलियाँ जो हैं वो कद्दूकस हो चुकी हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला और सुर्ख मिर्च। मूली को अच्छी तरह जो है पानी निकाल लेंगे इसका। अल्हम्दुलिल्लाह मूलियों को अच्छी तरह निचोड़ लिया है इसका पानी निकाल कर। अब इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में सबसे पहले हमने लिया है धनिया। धनिया को अच्छी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह धनिया जो हमने काट लिया था, अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। 60 से 8 अदद मिर्च जो है उसको काट कर शामिल कर लेंगे। ख्याल रखें कि इसको बारीक कुतरा जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद सब्ज़ लहसुन की गुठली।
अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन सब्र धनिया और हरी मिर्च हमने काट लिया। अब इसमें शामिल करेंगे एक अदद टमाटर। अब हम इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च। आधा चम्मच जो है वो बड़ा आधा चम्मच लेना है। आप हसबे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी चाहें। अगर आप मिर्च कम पसंद करते हैं तो कम मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम शामिल करेंगे इसमें एक चम्मच हल्दी। नमक शामिल करेंगे हसबे ज़रूरत। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका नमक जो है वो चेक करेंगे। अगर नमक कम है तो इसमें नमक आप और भी डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा जो हमने पहले गूंथ लिया था अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह हमने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे हाथ से और इसमें शामिल करेंगे मूली का जो हमने पहले सालन बनाया था उसको। इसके ऊपर दूसरा पेड़ा ऐसे लगा देंगे। इसी तरह तमाम पेड़े जो हैं वो बनाकर पहले रख लेंगे।
पेड़ों को अच्छी तरह बंद कर लेंगे ताकि मूली का जो सालन हमने इसमें डाला है वो बाहर ना निकले। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ जो हमारे तैयार हो चुके हैं, आप चूल्हे को जला लेंगे। बिस्मिल्लाह दोनों तरफ से अच्छी तरह परौंठे को तल लेंगे। कोशिश करें कि आग जो है वो धीमी रखें ताकि परौंठा जलने ना। अल्हम्दुलिल्लाह मूली का परौंठा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। और इसी तरह तमाम परौंठे जो हैं वो एक एक करके पका लेंगे। परौंठों के ऊपर हम आयल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी भी, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे मूली के परोंठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इसके साथ ही हक़नवाज़ कादरी को दें इजाज़त। खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।